हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। सुमन, सारा, विकास, अमरजीत, अमित, सोफिया, आंशिवम, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, पारी की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो फाइनेंस कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किस स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है? फाइनेंस कमीशन किस कॉन्स्टिट्यूशन की किस स्पिरिट को दर्शाता है? मैं पूछ रहा हूँ किस किस स्पिरिट को दर्शाता है ये क्वेश्चन। जुडिशरी बॉडी है ये, नहीं मैं कह रहा। मेरा क्वेश्चन है, ये फाइनेंस कमीशन अपने आप में क्या रिफ्लेक्ट करता है? इसका मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस स्पिरिट, किस भावना को ये दर्शाता है? मैं स्पिरिट की बात कर रहा हूँ। स्पिरिट में ना ही तो बजट आएगा, ना ही इकोनॉमी का आएगा। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके लिए प्रॉपर वर्ड होगा एक, ये तो पता ही। इसका मेन काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो, कोई आंसर देना चाहता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की किस स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है? तो ये ग्रेट सिक्सर भाई शिवम, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। फिस्कल फेडरलिज्म, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये आज का सबसे लंबा सिक्सर, पारी की शुरुआत ग्रेट सिक्सर द्वारा। बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इज करेक्ट आंसर। ये फिस्कल फेडरलिज्म को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? फेडरलिज्म तो पता है ना आपको, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन क्या है, इसको फेडरलिज्म कहते हैं। जो क्योंकि ये स्टेट को पैसे दिलवाता है सेंटर से, दो पैसे से, ठीक है, तो ये फेडरलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। सी, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स एलोकेशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स। तो ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पहली सही है। नेट प्रोसीड क्या होता है? जो टैक्स से टोटल कमाई होती है, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इनका काम है। सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन देता है, ये खुद नहीं देता, सिफारिश करता है। तो पैसे देता कौन है? स्टेट्स को। हाँ जी बोलो, स्टेट्स को पैसा देता कौन है? ये तो सिफारिश ही करता है, पैसा देता कौन है स्टेट्स को?
सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लगाओ आप साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा प्रिंसिपल विच शुड बी गवर्न द ग्रांट एंड एड ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। तो वो सिद्धांत की रिकमेंडेशन करता है कि किन किन ग्राउंड पे जो ग्रांट्स देनी चाहिए स्टेट्स की कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। दोनों सही है। दूसरे का आंसर क्या है? रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ओवर कवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। बिल्कुल सही है जी, 5 साल इनकी जो रिकमेंडेशन होती है 5 साल का एरिया कवर करती है, और इसकी रिपोर्ट है जो प्राइम मिनिस्टर को हैंडओवर की जाती है। ये गलत है। तो ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। थर्ड का आंसर बताओ क्या आएगा? इसका एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं। पहली स्टेटमेंट कहते हैं पार्लियामेंट ऑथराइज है, वो डिटरमिन करती है बाय लॉ क्वालिफिकेशन, मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, और सारी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। सारे मेंबर इकोनॉमिक सर्विस से होने चाहिए या स्टैटिकल सर्विस से होने चाहिए। ये गलत है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी इकोनॉमिक सर्विस ही होने चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ जी, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? कहते हैं फाइनेंस कमीशन फ्रेमवर्क तैयार करता है प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होके अब क्या रख दिया गया है? क्या नेम है प्लानिंग कमीशन का? नीति आयोग। पहली स्टेटमेंट गलत है। प्लानिंग कमीशन के साथ या नीति आयोग के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। इनके जो फंक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बिल्कुल सही है जी, पहली स्टेटमेंट असर्शन गलत है, रीजन सही है। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर बताओ क्या आएगा? कहते हैं इनकी रिकमेंडेशन जो संविधान में मेंशन है वो कौन कौन सी है? कहते जो ग्रांट्स देनी है स्टेट्स को कंसोलिडेट फंड इंडिया से, उसको डिफाइन करता है ये कंसोलिडेट फंड को कैसे। फंड्स ऑफ द स्टेट ऑगमेंट द कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत्स एंड द स्टेट्स। कहते कैसे स्टेट के कंसोलिडेट फंड को बढ़ाना है ताकि जो पंचायत की हेल्प की जा सके। मेशर नीडेड टू ऑगमेंट कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज टू द म्युनिसिपल ऑफ द स्टेट्स। तो ये जो तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। हाँ जी, सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर कौन थे? चेयरपर्सन इसके फर्स्ट के केसी नियोगी, और फोर्थ फाइनेंस कमीशन पीवी राजमनोहर, सिक्स्थ
ब्रह्मानंदा रेड्डी, और एट्थ वाईबी चावन। एट प्रेजेंट कौन है फ्रांस कमीशन, जिसको अपॉइंट किया गया फ्रांस कमीशन को, कब? नंद किशोर, बिल्कुल सही आंसर है। एक और सिक्स और 22 शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, 10 लड्डू ना मिलते। किस किस ये इनको अपॉइंट किया गया, किस साल? नंद किशोर जी को, नंद किशोर सही आंसर है सारा, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। किस साल इनको अपॉइंट किया गया नंद किशोर को, और किन में ये फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है? अब तक कितने फाइनेंस कमीशन को बिठाया गया है? 15th फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही है जी अमित, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। हाँ जी, 7th का क्या आंसर है? हाँ जी, फाइनेंस कमीशन मेंबर राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, बिल्कुल सही है जी। इंडियन फिस्कल फेडरिज्म को ये बैलेंस करके रखता है, बिल्कुल सही है जी। सेंट्रल और स्टेट के बीच में ये दोनों में तालमेल बैठाता है। ये इनकी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, बिल्कुल सही है जी। ये आर्टिकल 180 के अंडर है, ये गलत है। किस आर्टिकल में प्रोविजन है फाइनेंस कमीशन की? 180 नहीं है, 280 है, बिल्कुल सही है, 280 है। हाँ जी, 8th का आंसर क्या आएगा? कहते हैं फाइनेंस कमीशन का जो रोल है उसको किसने अंडरमाइन कर दिया, किसने कम कर दिया? प्लानिंग कमीशन ने, ठीक है। नीति जोग, नीति जोग भी नीति बनाता है कि स्टेट को इतना दिया जाए, हमें अपने पास इतना रखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बैठता है, वो भी उसका चेयरमैन होता है नीति जोग का। तो थोड़ा फाइनेंस कमीशन के रोल को थोड़ा कम कर दिया है मतलब नीति जोग ने, बिल्कुल सही है जी। 9th का आंसर बताओ क्या है? मेरा एक क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन से एक और संस्था ज्यादा शक्तिशाली है, उस संस्था का नाम बताओ क्या है? नीति जोग से एक और संस्था बहुत शक्तिशाली है, मोर पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन देन प्लानिंग कमीशन, कौन सी संस्था है वो? प्लानिंग कमीशन से भी एक और शक्तिशाली संस्था है, उसका नाम बताओ क्या है? तो ये ग्रेट सिक्सर बाय मीनू सागर, मीनू बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको और मेरी तरफ से, 10 लड्डू मिलते हैं। ये ग्रेट सिक्सर बाय मीनू, आज का सबसे लंबा सिक्सर, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। 9th का आंसर बताओ क्या आएगा? क्वालिफिकेशन जो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड को जरूरी है, अपॉइंटमेंट मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर डिस्टिंक्टली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो ये तो भाई गलत होगा ही होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन निर्धारित करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंस कमीशन इज कंसीडर्ड अंडर आर्टिकल टू, ये तो डी आंसर आएगा, पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी सही है। हाँ जी, 10th का आंसर बताओ क्या आएगा। जी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, सही है, क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, सही सही कह रहे हैं। हाँ जी, 10th का आंसर क्या आएगा। फाइनेंस कमीशन सिफारिश करता है टोटल नेट प्रोसीड की, टोटल पैसा यूनियन गवर्नमेंट, वो कहाँ से आएगा। ऑल टैक्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। स्पेसिफाइड टैक्स अमंग द स्टेट, ओनली स्टेट से, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टैक्स फीस आर चार्ज, यूनियन स्टेट्स की जो फी लेते हैं, टैक्स लेते हैं, इनसे आएगा। नहीं, स्पेसिफाइड टैक्स, जो टैक्स बताए गए हैं, लेकिन वो सरचार्ज नहीं होगा उन पे, टैक्स पे जो और टैक्स लगता है उसे सरचार्ज कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा डी। क्यों स्पेसिफाइड टैक्स क्यों है, कुछ ही टैक्स क्यों, सारे टैक्स क्यों नहीं है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, सारे टैक्स क्यों नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, कुछ टैक्स स्टेट को ही दे दिए जाते हैं, मतलब ठीक है, कुछ टैक्स स्टेट को ही दिए जाते हैं कि आप आमदन ये आप रखो, कोई बात नहीं है, ठीक है, इसलिए स्पेसिफाइड टैक्स आंसर आया। 11th का क्या आंसर आएगा। चलो ये तो इजी है। हाँ जी, 12th का आंसर क्या आएगा। हाँ जी, 12 का आंसर क्या है। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर है। UAT में, UPSC 315, इलेक्शन कमीशन 324 और CAG 148, बिल्कुल सही है। 13 का आंसर क्या आएगा। सी, ठीक है, 14 का आंसर क्या आएगा। फोर्टीन का आंसर, दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है।
असेसमेंट ऑफ नेचुरल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये कौन असेस करता है नेचुरल कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये कौन असेस करता है? ये फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है तो किसका काम है? ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो इंसान है, कैपिटल है, पैसा है, कुदरती जो साधन है, उनको कौन असेस करता है इंडिया में? दूसरी जो स्टेटमेंट दी है, कौन असेस करता है इसे? ये पीसी क्या होता है भाई? ओके, तो ये एक और सिक्सर बाय मीनू सागर, प्लानिंग कमीशन इज करेक्ट आंसर। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। एक और सिक्सर बाय मीनू सागर, ग्रेट सिक्सर बाय यू, प्लानिंग कमीशन इज करेक्ट आंसर। बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको मीनू। हाँ जी, 15 का आंसर बताओ क्या आएगा? फिफ्टीन का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, 15 का आंसर क्या है? बी। 16 का आंसर क्या आएगा? सिक्सटीन का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, 16 का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, आवाज आ रही है? सुन रहे हैं आप मुझे? प्लीज आंसर इट। हाँ जी, बी। सिक्सटीन का बी नहीं आएगा। ए आएगा। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करता है
ये तो सही है, हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करता है, ये भी सही है, ये रेवेन्यू जनरेट करता है। आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट को पैसे बना के देता है, उनके लिए रेवेन्यू रेज करता है? आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ये पैसा कमा के देता है? अरे भाई, सरकार को पैसा टैक्स से इकट्ठा होता है, ये तो पैसे कोई नहीं कमा के देता, ठीक है, ये पैसे बारो करता है गवर्नमेंट के लिए, नहीं बारो करता। तो पहली दो स्टेटमेंट सही है। हाँ जी, 17 का क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का कैंसर आएगा। देखो, पहली स्टेटमेंट है, फाइनेंस कमीशन डिपेंड्स मेनली ऑन डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द स्टेट्स सप्लाई बाय द स्टेट देमसेल्व्स। देखो, स्टेट को कितने पैसे चाहिए, उनका जो डेटा है, ठीक है, वो स्टेट से लेता है कि आपको पहले कितने पैसे मिले। अब मतलब उनका डेटा स्टेट देता है। दिस इंफॉर्मेशन एंड डेटा मे नॉट बी फ्री फ्रॉम हिडन अनरेलिटीज एंड अटेम्प्ट टू सिक्योर मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड विंडो ड्रेसिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द स्टेट्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। कहते जे इन्फॉर्मेशन डेटा मे नॉट बी फ्री, फ्री नहीं हो सकता फ्रॉम हिडन अनरेलिटीज, कुछ छुपे हुए मतलब अच्छाइयाँ हो सकती हैं। अटेम्प्ट टू मोर सिक्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड विंडो ड्रेसिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। कहते कोई जरूरी नहीं कि इन्फॉर्मेशन डाटा मतलब इन पे ही हमने डिपेंडेंट रहना है फाइनेंस कमीशन ने, तो हो सकता है उनके लिए वो ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दे सके, तो इनसे भी मना नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन स्टेट्स के डेटे पे भी निर्भर नहीं रहता, ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रांट्स हैं उनको दिलाने की कोशिश में रहता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट पहली वाली स्टेटमेंट का जो दूसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका बी आंसर आएगा। 18 का आंसर क्या आएगा? ये तो इजी था। 19 का आंसर क्या आएगा? नाइनटीन का आंसर क्या है?
बी स्टेटमेंट क्यों गलत है, दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है? ओके गुड, शाबाश, वेल डन शिवम, आपको बहुत बहुत प्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। 20 का आंसर क्या आएगा? ट्वेंटी वन का आंसर? प्रिंसिपल, गवर्निंग ग्रांड सेनेट, फाइनेंस कमीशन और कंसोलिडेट इन द सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कोऑर्डिनेशन इन सेंट्रल सेक्रेटरिएट, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ये प्रेसिडेंट करता है, तो ये अल्टरनेट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तो ये एस्टिमेट कमेटी बनाती है। चलो, ये फाइनेंस कमीशन, आप होप के आपको समझ आया होगा। पॉलिटी की न्यूज कोई बताओ, इजराइल में सिनेरियो चेंज हो गया है, नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, क्या नाम है उनका, उनकी पार्टी कौन सी है? नफ्ताली बेनेट, बिल्कुल सही है। उनकी पार्टी का नाम बताओ क्या है, वहां की पार्लियामेंट का नाम बताओ क्या है? ये नेतन्याहु लेफ्ट विंग थे, इनकी पार्टी राइट राइट विंग है। इनकी पार्टी का नाम बताओ क्या है? जमीना। ये राइट विंग पार्टी है इनकी, ये क्या फर्क होता है लेफ्ट विंग और राइट विंग में? मुझे ये आंसर चाहिए, आप पॉलिटी के बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए। ये आइडियोलॉजी है, लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजी है। क्या आइडियोलॉजी है ये लेफ्ट विंग राइट विंग? ये नफ्ताली जी राइट विंग है, ये आइडियोलॉजी है। चलो, अभी तक मुझे अच्छी तरह आंसर नहीं मिला, तो आप ट्राई कर सकते हो। राइट विंग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, राइट विंग ऑर्थोडॉक्स नहीं होते अमित जी। चलो मैं बताता हूं आपको, जो लेफ्ट विंग होता है ये क्रांति लेके आना चाहता है, रेवोल्यूशन लाना चाहता है, चाहे वो ब्लड शेड हो चाहे ब्लड लेस हो, ठीक है। लेफ्ट विंग आम आदमी,
जैसे किसान, मजदूर, लेबर क्लास, उनकी सत्ता लाना चाहता है लेफ्ट विंग। जो राइट विंग होता है ये मॉडरेट होता है, ये इस चीजों में बिलीव नहीं करता, ये सिर्फ प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। और एक रह गया, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंट्रल। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, आपने इंडिया में पार्टी बताना है कौन सी पार्टी सेंट्रल है, कौन सी पार्टी सेंट्रल है, सेंट्रल अप्रोच है किसकी। मैं नहीं बताऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, आपने लेफ्ट पार्टीज, राइट विंग पार्टीज एंड सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल दोनों के बीच में कौन सी पार्टी सेंट्रल है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपने ये बताना है। ठीक है, मैंने आपको कराया भी था जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कराया था इंडिया में, मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये आपने मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप में मैसेज करना है कल, ये आपका होमवर्क है। बहुत, आज के लिए इतना ही काम। ठीक है जी, गुड नाइट सभी को।